हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, कह सकते हैं आप गुड्डू के जन्म से लेकर कुछ बातें बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, डिलीवरी स्टोरी बोल सकते हैं, प्रेगनेंसी स्टोरी बोल सकते हैं, तो मैं आप सबके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे शेयर करते हुए काफी अच्छा लग रहा है, उस टाइम के बारे में सोचते हुए, उस टाइम के बारे में बताते हुए मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और ये मैं आज जब आपको बता रही हूँ, आज वही डेट है, 1 जून है आज, बस टाइम चेंज हो चुका है, साल चेंज हो चुका है, 2019 है आज। गुड्डू पूरे 9 साल की हो चुकी है और गुड्डू का जो जन्म है वो 1 जून 2010 में हुआ था। नवंबर में मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद होते ही खुशी तो हुई थी कि हाँ भाई, और थोड़ा एज भी इतनी नहीं थी तो खुशी हुई थी। उसके बाद जो है धीरे धीरे टाइम निकलता गया। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे ये परेशानी हुई, मुझे वो परेशानी हुई, मुझे ऐसी कुछ परेशानी नहीं हुई थी उस टाइम। बस उल्टियां वगैरह जो होती हैं वो होती हैं सबको, तो वो हुआ था, जी मिचलाना भी होता ही है। और ये हम अपने बड़ों से सुनते ही रहते हैं कि ये कुछ नया नहीं है, ऐसा होता है। शुरू के 2-3 महीने मुझे ये परेशानी रही थी और वो भी ज्यादा नहीं रही थी, कुछ एक दिन हो गया, फिर अगले दिन मैं ठीक हो जाती थी और ज्यादा नहीं होता था। कि किसी को पूरा दिन होता है, उनको ज्यादा परेशानी हो जाती है, मुझे कभी कभी होता था दिन में 1-2 बार। तो उसके बाद मुझे जो खाने में पसंद था उस टाइम, वो मुझे खट्टा बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मैंने इमली बहुत खाई थी गुड्डू के टाइम पे, बहुत ज्यादा, और अच्छी भी मुझे वही लगती थी। तो उसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलता चला गया, दिन जो है बढ़ते चले गए। 2010 में अप्रैल में हुआ ये था कि मेरी अचानक से तबीयत खराब रहने लगी, मुझे पेट में दर्द की शिकायत होने लगी। तो मेरी सांस जो है वो घबराने लगी थी कि क्या हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो फिर मुझे अप्रैल के लास्ट की बात है, 28-27 अप्रैल की बात होगी, तो मुझे एडमिट कराया गया था फिर इंद्रेश हॉस्पिटल में जो देहरादून में है। उसके बाद वहां लेके गए, वहां जाने के बाद हमें तो यही था कि सारा सामान पैक करके लेके गए थे कि चलो भाई अब गुड न्यूज आने वाली है। तो वहां पे जाके डॉक्टर्स ने मुझे अच्छे लगे, उनकी बातें मुझे डॉक्टर्स की अब ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि आप क्या करते हैं, जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके अंदर हड़बड़ी ज्यादा रहती है, कि अपने बच्चे को देखने की हड़बड़ी होती है, जो कि एक आप गलती भी कर जाते हैं उस टाइम पे। तो मैं यही कहूंगी जिनका लास्ट पीरियड चल रहा है प्रेगनेंसी का, 9वां महीना 8वां महीना आप कह सकते हैं, जिसमें हमें हड़बड़ाहट होती है कि हमें अपने बच्चे को देख, मेरे साथ ये चीज थी, मुझे नहीं पता कि सबके साथ होती है कि नहीं होती है। तो ये था कि भाई अब अपने बच्चे को देखना है, जल्दी से देखना है, क्या करें कैसे करें। तो मुझे जब दर्द हुआ, मुझे यही था मन ही मन में कि अब बस बच्चा आने वाला है। तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि अभी तो 9 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए, तो डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास ने बोल दिया था कि कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन उन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, अभी नहीं होगा बच्चा। उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड को, मेरी सास को समझाया कि बच्चा जो है अच्छे से जो है माँ के पेट में ही बन पाता है, बाहर आके उसकी कुछ चीजें होती हैं जो रुक जाती हैं, जो माँ के पेट में ही ठीक से क्या बोलेंगे उसको, कि अच्छे से ग्रो हो पाता है बच्चा पेट में। तो फिर मना कर दिया डॉक्टर ने। अब डॉक्टर के मना करने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम 2-3 मई में हम लोग घर वापस आ गए थे, मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था वहां से। लेकिन मुझे कुछ पेट में शिकायत थी, पेट दर्द की, कि हाँ भाई पेट में दर्द है। और फिर उसके बाद जब मैं घर आई हूँ तो अब मेरी सास भी थी हमारे साथ, मेरे ससुर भी थे, और मतलब हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, सब साथ में रहते थे, काकी भाभी, कविता भाभी जिनको आप जानते हैं भैया। लेकिन उन दिनों कविता भाभी अपने मायके गई हुई थी, अपने घर थी वो। फिर उसके बाद जब हम घर आए हैं, मेरी सास तब तक मेरे साथ हॉस्पिटल में ही रही थी। उसके बाद हम घर आए, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी सास की जो है बहुत ज्यादा, मतलब मेरी सास की भी तबीयत खराब रहती थी, उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो मेरे को नाश्ता भी देती थी बना के बेड पे, लंच भी, डिनर भी, घर का भी सारा काम था, इधर घर का उधर घर का। तो मेरे को ये लग रहा था मम्मी को देख के कि मम्मी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, अब क्या होगा कैसे होगा, आगे आगे तो और भी ज्यादा है, बच्चा आएगा और भी काम बढ़ जाएगा। तो मुझे बस यही चिंता रहती थी मन मन में कि मम्मी कैसे करेंगी इतना काम। तो फिर मैंने क्या किया, एक दिन अपने घर फोन कर दिया, घर पे बात होती रहती थी, तो लेकिन एक दिन मैंने वो बात छेड़ दी, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मम्मी परेशान हो रही हैं अकेले,
लेकिन मैं मम्मी को ऐसे देख नहीं सकती कि वो मेरी सेवा पानी करें, अच्छा नहीं लगता कि सास हमारी सेवा करें। फिर उसके बाद मैंने घर फोन किया, तो घर पे फोन करने के बाद मेरे पापा ने बोल दिया कि चलो तुम यहाँ आ जाओ घर पे। तो फिर मैंने इनको बोल दिया कि मुझे तो अब घर जाना है। मैं मम्मी पापा से बात हुई रात में, ये आए, फिर हम सबने बैठ के बात की, तो वहां चले जाते हैं, कोई बात नहीं वो भी घर है। तो फिर सब मान गए और 6 मई को सुबह में हम लोग निकल गए घर के लिए। ये मुझे छोड़ के आ गए थे यहाँ पे वापस, फिर अपने घर गए। अपने घर तो फिर बात ही कुछ अलग होती है, तो पूरी खातिरदारी चल गई थी वहां पे भी मेरी। मतलब मैं उठ ही नहीं पाती थी बिस्तर से, बैठे बैठे जो है मुझे चाय पानी खाना पीना सब कुछ, सिर्फ मुझे शाम के टाइम मैं घूम लिया करती थी थोड़ा बहुत। फिर मेरी डिलीवरी डेट जो थी वो शुरू से ही 30 या 31 मई की थी, शायद 30 मई दी हुई थी। तो 30 मई की शाम को मुझे फिर से पेन शुरू हो गया था। उसके बाद 31 मई आई, 31 मई में वो दर्द मुझे थोड़ा और बढ़ गया, और मैंने ये महसूस किया था उस टाइम कि दर्द बढ़ने के साथ साथ जो है मुझे एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी कि मुझे बच्चे को देखना है। तो फिर 31 मई को मुझे एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, और वहां पे मतलब फुल टाइम हो चुका था अब, तो जो है डिलीवरी का ही टाइम था, तो मैं वहां पे एडमिट हो गई हूँ। उसके बाद वहां पे क्या होता है कि मेरे को जो है दर्द शुरू हो जाते हैं, और मैं फिर दोबारा हड़बड़ा जाती हूँ, फिर दोबारा मुझे जो है अपने बच्चे को देखने की जो चाहत है वो दोबारा से बढ़ रही है कि भाई अब बस फटाफट बच्चा आ जाए। तो पहली बार में ये चीज होती है जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है हमारी, तो हमें मुझे लगता है कि मेरे साथ तो यही हुआ था, मुझे नहीं पता कि सबके साथ ये होता है कि नहीं होता है। कुछ लोग बहुत समझदार भी होते हैं तो वो नहीं दिखाते हैं जल्दबाजी, लेकिन मैंने बहुत जल्दबाजी की गुड्डू के टाइम पे। तो मैंने बोला कि मुझसे नहीं होगा, ऑपरेशन करा दो मेरा। अपने मम्मी पापा को मैंने, मम्मी को बोला मैंने कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा ऑपरेशन करा दो, क्यों मुझे दर्द झेलने दे रहे हो। क्योंकि मैं जिद्दी थी, मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है कि मैं बहुत जिद्दी थी, जल्दबाजी मैं थी मेरे अंदर बहुत ज्यादा। ये तो अब टाइम था कि मैं चेंज होती गई, टाइम बदल देता है इंसान को। तो मैंने इनको बोला कि क्या नाम है, अपनी मम्मी को, विपिन तो यहाँ पे थे, कि आप क्यों मुझे देख रहे हो ऐसे तड़पते हुए, ऑपरेशन करा दो मेरा। तो उसके बाद मुझे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, फिर मुझे ऑक्सीजन वगैरह लगाई गई, और उसके बाद मुझे फिर है ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद डॉक्टर को भी लगा होगा या तो कि भाई हाँ ऑपरेशन की जरूरत है। तो मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। वहां पे एक बज के 6 मिनट की बात थी जब गुड्डू मेरी जिंदगी में आई, हमारी जिंदगी में आई। वो पहले बच्चे के टाइम पे होता है, हमें हड़बड़ाहट होती है, हमें जल्दबाजी होती है। तो मैं यही कहूंगी जिनका पहला बच्चा है और अभी वो प्रेग्नेंट है, फुल टाइम चल रहा है उनका, तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा सब्र से काम लें। क्योंकि तन्मय के टाइम को देखते हुए और गुड्डू को टाइम को देखते हुए, जबकि तन्मय के टाइम पे मैं अकेली थी, ना मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी हेल्प करता, जो मुझे वो सब चीजें मैं तन्मय के बर्थडे पे शेयर करूंगी आप सबके साथ। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगी कि आप हौसला रखें, सब अच्छा होगा, अच्छा सोचें अच्छा होगा। मैंने गुड्डू के टाइम पे बहुत जल्दबाजी दिखाई थी, तो फिर गुड्डू आ जाती है हमारी जिंदगी में, और बच्चा देखने के बाद आपका सारा दर्द सारा दुख जो है एक तरफ हो जाता है, बस अपने बच्चे में खो जाते हैं आप। तो मुझे याद है कि डॉक्टर शायद मुझे टांके वगैरह लगा रही होंगी, क्योंकि गुड्डू मुझे ऑपरेशन से हुई है तो डॉक्टर जो है मुझे टांके लगा रही थी। फिर उसके बाद मैं होश में आई हूँ, मैंने देखा है गुड्डू को साइड में लेके, नर्स शायद साफ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी वो, तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा है वो, कुछ इस तरह की मैंने महसूस किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं रूम में आ गई थी, तब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रूम में गई, क्या हुआ। फिर उसके बाद मुझे होश आया, फिर मैंने, अब मेरी मम्मी जो है कमरे में थी मेरे पास, तो मैंने कहा मम्मी क्या हुआ है, तो मम्मी ने बोला कि बेटी है, गुड़िया आई है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा यहाँ मेरे पास, मैं बोल नहीं पा रही थी पता नहीं क्यों, फिर मैं बोल रही थी कि यहाँ मेरे पास लिटा दो बेड पे, तो मम्मी ने कहा कि नहीं छोटा सा बेड है, नहीं। मैंने कहा नहीं आप लिटा दो, मैं ध्यान रखूंगी। तो जैसे ही मम्मी ने गुड्डू को लिटाया मैं फिर सो गई, क्योंकि नशा रहता है जब ऑपरेशन होता है, इंजेक्शन वगैरह हमें लगता है, तो फिर मैं दोबारा से सो गई। तो मम्मी ने उठा लिया होगा गुड्डू को, फिर विपिन को फोन किया, ये वहां से आए। और विपिन के साथ मैं बताती हूँ आपको एक चीज, जब हमने विपिन को बताया कि हाँ भाई गुड़िया आ गई है, सुबह ही मेरी मम्मी ने फोन करा दिया था,
और जैसे ही इनको पता चला ये तुरंत निकल गए यहाँ से, घर से, और इन्होंने यहाँ किसी को नहीं बताया कि हाँ भाई मैं पापा बन गया हूँ, बेटी आई है, इन्होंने किसी को नहीं बताया कि सीधा बाइक में चाबी लगाई और निकल लिए। उधर फिर मेरी नंद रहती थी, उन्होंने खिलौना वगैरह लिया है, उनकी शॉप थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, मतलब नहीं, उन्होंने बोला मेरी नंद ने, दीदी ने, कि अगर बच्चा बच्चा होगा तो फोन कर देना। तो अब ये उनको बोल रहे कि बच्चा हो भी गई, मतलब बेटी हुई है, तो मतलब हाथ टीवी पिन ने किसी को भी नहीं बताया था। ऐसा नहीं है कि ये खुश नहीं थे, बहुत खुश थे, तुरंत फिर ये वहां पहुंचे हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर कर दी। शायद एक दो चीजें इसमें से मिस ना हो गई हो, दिमाग से निकल ना गई हो, क्योंकि मैं कहानी सुनाने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैं कब ये दिन आए, 1 जून आए, कब मैं आप सबके साथ ये चीज शेयर करूं। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कुछ फोटोज हैं गुड्डू की जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, एंड ही चल रहा है ये वीडियो का, तो आप देखिएगा वो फोटोज गुड्डू के, बड़े प्यारे प्यारे फोटोज हैं गुड्डू के। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ये गुड्डू की कुछ दिन की फ़ोटोज़ होती हैं जैसे बच्चों की, तो ये 21 दिन की थी गुड्डू उस दिन, ये तब का फ़ोटो है। और उस दिन हमारे घर हवन था, विपिन मुझे लेने के लिए गए हुए थे, तो ये हवन ववन कराकर हम लोग आ गए थे एक दो दिन बाद घर पे। और ये गुड्डू के कुछ फ़ोटो हैं जो मैं ऐसे ही बैठे बैठे निकालती रहा करती थी, फिर हम उनको जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं उनसे निकलवा लिया करते थे फ़ोन से। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मेरे पास थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बड़ी प्यारी लगती थी गुड्डू, लगती है इन फ़ोटो में मुझे आज भी प्यारी, और वैसे भी प्यारी है, अपना बच्चा प्यारा ही लगता है। और ये गुड्डू के बर्थडे की है, अपनी दादी के साथ वो केक काट रही है, फिर अपने बड़े पापा की गोद में है वो। और ये पहले दिन की फ़ोटो है, स्कूल गई थी और बहुत रोई थी, ये पहला दिन स्कूल गई थी जब, तो इसके पापा ने इसका फ़ोटो खींच लिया था। और उसके बाद कभी नहीं रोई, अच्छे से ड्रेस पहन के जाती थी बाय बाय करके। और ये गुड्डू की 5 साल की फ़ोटो है जो कि मुझे बहुत प्यारी फ़ोटो लगती है। और ये गुड्डू के 7th बर्थडे की फ़ोटो है, तब 7 साल की गुड्डू हुई थी। और उसके बाद दिन देखिए पढ़ते चले जाते हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। पहला बर्थडे, दूसरा बर्थडे, ये रक्षाबंधन की फ़ोटो है दोनों बहन भाइयों की। और ये अभी 2019 की फ़ोटो है जब मैं घर गई थी अपने